टीकाकरण करा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों में दिखी जागरूकता, कोरोना को मात देने के लिए बच्चों ने लगवाई वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों में एक अलग ही जागरूकता दिखाई दे रही है और वैक्सीनेशन में तेजी भी देखी जा रही है। सरकार के निर्देश के बाद बच्चों को भी वैक्सीनेशन का टीका लगना अत्यंत आवश्यक हो गया है। उसी क्रम में हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज में बच्चों के टीकाकरण पर एक विशेष जोर दिया जा रहा है। 5 दिन पूर्व भी हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज में बच्चों के टीकाकरण को लेकर मथुरा की टीम ने 200 से ज़्यादा स्कूली छात्र छात्राओं को टीका लगाया था। जिला अस्पताल लगातार बच्चों को वैक्सीनेट कर रहा है ताकि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सुरक्षित रहें। हजारीमल सोमानी के प्राचार्य ने बताया कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और मैं सबसे अपील करता हूं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, सुरक्षित रहें। वृंदावन से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। शासन के निर्देशानुसार ये दूसरा कैंप है मेरे यहाँ पे। इससे पहले 7 तारीख को और कैंप लग चुका है जिसमें 200 के करीब बच्चों ने टीकाकरण करा चुके हैं। आज दोबारा शासन के फिर जो बाकी बच्चे रह गए थे उनका टीकाकरण शुरू हो गया है और लगभग 100 बच्चे आ चुके हैं और बाकी के बच्चे भी आने हुए हैं, क्योंकि टीम जो अभी लेट आई है इसलिए हमने कार्यक्रम शुरू करा दिया है। और इस तरीके से ज़्यादातर बच्चों का टीका कराने का निर्देश है और हम इस तरीके से इनका पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे आज रह जाएंगे उनका दोबारा से कॉन्टेक्ट करके विभाग से मेडिकल ऑफिसर से बात करके दोबारा से कैंप लगाएंगे। इस तरीके से हमारा पर्पज़ ये है कि कोई बच्चा टीकाकरण से छूट नहीं पाए।